राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर डीएनए टेस्ट वाले बयान पर भारत आदिवासी पार्टी के साथ अब कांग्रेस नेता भी इस बयान को मुद्दा बनाकर भाजपा पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बीते कुछ दिनों से ये सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में कोटा में कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन के दौरान विधायक अशोक चांदना द्वारा दिया गया राजस्थान के शिक्षा मंत्री की गाड़ी उड़ाने वाला बयान काफी वायरल हो रहा है। हालांकि इसे लेकर अशोक चांदना ने डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी सफाई भी दी है। पूर्व मंत्री चांदना ने सफाई देते हुए इस लेटर में लिखा है कि मैंने शिक्षा मंत्री की गाड़ी उड़ाने की नहीं बल्कि गुड़ाने की बात कही थी। राजस्थानी भाषा में गुड़ाने का मतलब चलता करना होता है, मगर मेरे इस बयान को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है जो कि गलत है। उन्होंने अपने इस लेटर में लिखा कि मैंने इस प्रकार का कोई भी बयान जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि अशोक चांदना इससे पहले भी कांग्रेस राज में सचिन पायलट पर बयानबाजी के चलते चर्चाओं में रह चुके थे। उस वक्त उन पर अधिकारियों को धमकी देने के मामले भी सामने आए थे। कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान दिया ये बयान भी उन्होंने खुद अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शेयर किया था, जिसे बाद में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रिट्वीट भी किया गया। हालांकि राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा के आयोजन में कथित गड़बड़ी को लेकर कोटा शहर में सोमवार को उग्र प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज की गई है। पहली FIR में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक अशोक चांदना, चेतन पटेल और सीएल प्रेमी का नाम शामिल है, जबकि दूसरी FIR में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, नईमुद्दीन और इनके साथ ही मोइजुद्दीन गुड्डू, जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित अन्य के नाम शामिल है। मामले में कोटा सिटी SP डॉक्टर अमृता दुहन का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई थी। इस उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस से टकराव की स्थिति बन गई थी और इसीलिए पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों की शिकायत पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो के जरिए विधायक चांदना ने भजनलाल सरकार के मंत्री दिलावर को चेताया था। उन्होंने कहा था कि मंत्री जी क्या करेंगे डीएनए चेक करके, किसी दिन आदिवासियों के बीच रास्ते में मिल गए तो आपका ही डीएनए चेक कर लेंगे, संभल कर जाओ, इनकी सुनो, वरना किसानों ने मोदी को भी हरा दिया था, पलटने में समय नहीं लगा और आपकी तो गाड़ी उड़ाने में भी टाइम नहीं लगेगा। ऐसे में कांग्रेस विधायक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मदन जी की बात को बड़े बड़े प्रहलाद जी ने पूरी बता दी। अरे मदन जी, देख आई आदिवासियों को डीएनए चेक करेगा, अगर जो खड़ा रास्ता में कोई तो आदिवासी इतना पानी पड़ गया के साथ ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मदन दिलावर पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि दिलावर साहब ये तो आदिवासी है, दिलावर साहब जिन्होंने हमारी राजस्थान की धरती पर आजादी के वक्त अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने संघर्ष किया, 1900 आदिवासी शहीद हो गए, मगर देश को आजादी दिलाकर उन्होंने दम लिया और आप इन आदिवासी भाइयों के डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं। पहले तो हम राजस्थान के सभा में आपके 16 मुकदमों का डीएनए टेस्ट करेंगे और यह तब तक जारी रहेगा जब तक मंत्री मदन दिलावर अपने बयान के लिए माफी नहीं मांग लेते। इससे पहले बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा था कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, बहुत जल्द ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सरकारी आवास पर मेरा ब्लड सैंपल भेजा जाएगा और हर आदिवासी के घर से सैंपल्स भेजने का अभियान चलाया जाएगा। मंत्री जी डीएनए टेस्ट मशीन की व्यवस्था करके रखे। और इसके बाद सांसद ने राजधानी जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासी समुदाय को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ ST SC OBC माइनॉरिटी और अन्य समुदाय के समस्त साथियों ने मिलकर आक्रोश भी व्यक्त किया था। जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए कुछ घटिया बयान दिया है, मैं गोविंद डोटासरा कांग्रेस पार्टी की कड़े शब्दों में निंदा करती है और मैं कहना चाहता हूँ ये वो आदिवासी है दिलावर साहब जिन्होंने हमारे राजस्थान की धरती में आजादी के समय अंग्रेजों के सामने घुटने टेक के संघर्ष किया, 1900 आदिवासी भाई शहीद हो गए
लेकिन इस देश को आजाद करा करके उन्होंने दम लिया। ये वो आदिवासी भाई है, इनका डीएनए टेस्ट करना चाहते हो? पहले तो आपके 14 मुद्दों का डीएनए टेस्ट करेंगे अगर राजस्थान की विधानसभा में, फुर्सत नहीं होंगे जब तक ये इलावत साहब अपने बात के लिए, अपने दिए गए बयान के लिए बात नहीं मांगे।